नमस्कार, वीके न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में निबंध प्रतियोगिता कराए जाने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि निबंध प्रतियोगिता तो स्कूलों में आम बात है, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे स्कूल में बड़ी कार्रवाई हो गई? तो ये हम बताते हैं। एक सरकारी स्कूल में गुप्त रूप से इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई थी, जिसके बाद हेडमास्टर अब्दुल मुनाफ को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार की ओर से इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करने का किसी तरह का निर्देश नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी हेडमास्टर ने पैगंबर पर गुप्त रूप से प्रतियोगिता आयोजित कराई। इस मामले पर जांच की गई और जांच के दौरान इस आरोप को सही पाया गया, जिसके बाद हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। एक अभिभावक शरणप्पा गौड़ा हापलाद ने कहा, मुझे पता चला कि स्कूल के प्रधानाध्यापक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करके और 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित कर छात्रों के दिमाग में इस्लाम थोपने की कोशिश कर रहे थे। लड़के और लड़कियों को 5,000 रुपए जीतने की उम्मीद में निबंध लिखने के लिए कहा गया था। अभिभावक ने इस संबंध में हेडमास्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि हेडमास्टर छात्रों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, इसीलिए मैंने श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं को सूचित कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि पैगंबर मोहम्मद पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने के पीछे और क्या इरादा हो सकता है। फिलहाल प्रारंभिक जांच सही साबित हुई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। जिस शिक्षा के मंदिर में शिक्षा अर्जित करने छात्र जाते हैं, उसी मंदिर में इस तरह की छुपकर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं तो अभिभावक के मन में डर पैदा होना लाजिमी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।